ये बजरंग सेना के कुछ लोग थे और हीरानगर क्षेत्र के कुछ आरक्षकों के खिलाफ में ये बोल रहे थे कि बाणगंगा क्षेत्र में कोई एक मंदिर है जहाँ पर वो लोग आके वहाँ पर अभद्रता किए, जो वहाँ बाबा लोग रहते हैं उनके साथ में, और जूते पहन के वहाँ पर पहुँच गए थे। इस बात के विरोध में ये लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। और कितने लोग थे? ये लगभग 25-50 लोग थे। इनको समझाइश दी गई कि इस टाइप से भीड़ भाड़ इकट्ठी न करें, इससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है, और ज्ञापन लेके इनको वापस कर दिया गया। सर, शहर में जैसे अभी किसी की रैली वगैरह कुछ अनुमति नहीं है? हाँ जी। और ये अभी रैली नुमा आएगी करीब, ये रैली के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? रैली के रूप में तो अब चूंकि यहाँ पर इकट्ठे मिले हैं, अभी रैली के रूप में नहीं आए हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई थी तो इनको सबको डिस्पर्स करने के लिए सबको समझाइश दी गई है और रवाना किया गया। हमारे धर्म की हानि हो रही है। हीरानगर थाने पर पदस्थ दो जवान पंकज रैयावत और अजीत यादव जी, ये दोनों हमारे मंदिर में जूते पहन के घुस जाते हैं। जब हमारे महंत महात्मा उनको विरोध करके बोलते हैं कि जूते पहनकर मंदिर में ना आए, तो वो उनको बोलते हैं कि तुमको डंडा कर देंगे, तुम्हारी बाबागिरी भुला देंगे और उठा के ले आके झूठे केस के अंदर तुमको कार्रवाई करके थाने में बंद कर देंगे। जब हमारे कल बजरंग सेना के पदाधिकारी नितेश यादव जी ने इसका विरोध करा कि हमारे बाबा जी को गाली कैसे बगी, तो उनको वहाँ पटक पटक के मारा। उसके बाद में बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा महेंद्र यादव मेरे को और नितेश यादव जी को दोनों को ले जाकर हीरानगर थाने के अंदर एक घंटे बंद करके रखा। उसके बाद रात को 10 बजे हमको छोड़ा और 10,000 रुपये मेरे ससुर जी विनोद कुमार जैन समाज के अध्यक्ष सुप्रिया में रहते, उनसे 10,000 रुपये लिए और 10,000 रुपये लेकर हमको छोड़ा गया। उसके बाद आज ये आतंक, इनका इतना आतंक है और उनने हीरानगर थाने में ही रहते हैं, उनका घर भी वहीं है थाने के पास। किसको ज्ञापन दिया? हमने यहाँ संजय शुक्ला जी जो TI साहब है उनको ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमारी शिकायत आगे बढ़ाने का बोला है SP और IG साहब के पास, क्योंकि चूंकि कल CM साहब का इंदौर में दौरा है तो बड़े पदाधिकारी उनमें TI साहब उनमें लगे हुए बड़े, तो उनको अभी हमने कितनी संख्या में लोग आए थे नारेबाजी करते रैली नुमा आए थे, तो क्या आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया? हम दूसरे डिस्टेंस बना के आए, मास्क लगा के आए और दूरी बना के आए। जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार संगठन के सदस्य, हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर हमारा बजरंग सेना 29 राज्यों में कोरोना वीर पुलिस का सम्मान कर लिया, डॉक्टरों का सम्मान कर लिया, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर लिया। हमने कोई गलत काम नहीं करा। हमारे मंदिरों में घुस के वो धर्म की हानि कर रहे हैं, वो गलत है, हम गलत नहीं। आपका नंबर? मैं महेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बजरंग सेना।